अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज किश्तवाड़ टूर का सेकंड डे है और मैं एक्सप्लोर करने आया हूँ यहाँ की एक फेमस ज़्यारत को जो कि दरबार फरीदिया के नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। आपने सुना ही होगा। इस प्लेस के यानी कि इस ज़्यारत के रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे से हो सकती है मैं आपके साथ पूरी शेयर करने की कोशिश करूँगा। अभी मैं बाहर हूँ। इनके बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम ज़्यारत पर क्यों आते हैं, हमारे दिल में क्या होता है और क्यों आना चाहिए। पर्सनली मैं अपना आपको बताता हूँ कि हमारे जो मकसद है यहाँ आने का वो क्या है, क्यों आते हैं हम। वो ये है कि हमारे दिल में इनके लिए अकीदत तो मोहब्बत है, इसीलिए हम यहाँ पर आते हैं। वरना अगर कोई ये सोचेगा कि यहाँ कोई लोग मुरादें मांगने आते हैं या कुछ चढ़ावे चढ़ाने आते हैं, वैसा कोई हमारे कंसेप्ट नहीं है। हमारा अकीदा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इनसे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, इसकी वजह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। मोहब्बत क्यों रखते हैं वो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ काम वगैरह चल रहा है क्योंकि उर्स जो है वो काफ़ी नज़दीक है, इसलिए ये सफाई वगैरह का काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़्यारत का अंदर का हिस्सा। मैं पहली बार यहाँ विज़िट कर रहा हूँ तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनका पूरा नाम हज़रत शाह सैयद मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह है, जिनकी पैदाइश 1000 हिजरी के मुताबिक 1581 ईस्वी एडी में हुई थी और इनकी पैदाइश जो है वो इराक़ के शहर बगदाद में हुई थी, इसीलिए इनका जो नाम के साथ में बगदादी लगता है। बगदाद इराक़ में एक ऐसी जगह है जहाँ पर इनकी पैदाइश हुई थी। तो इनके वालिद का नाम सैयद मुस्तफ़ा रहमतुल्लाह अलैह। इब्तदाई तालीम तो इन्होंने वहीं पर हासिल की थी और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा जो है हज करने के लिए पहुँचे थे। वहाँ हज अदा करने के बाद इनकी मुलाकात जो है शेख जलालुद्दीन मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी और उसके बाद ये मिस्र पहुँचे थे यानी कि इजिप्ट। वहाँ पर इनकी मुलाकात जो है शेख मोहीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी, जहाँ पर इन्होंने फिर बाकी रूहानी तालीम वगैरह हासिल की। इनका शजरा नसब हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से जाकर मिलता है, जो कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर आप इनका शजरा नसब भी देख सकते हैं। उसके बाद फिर इन्हें पीर गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़्यारत ख्वाब में उन्होंने हुक्म दिया कि दीन इस्लाम की रोशनी को फैलाने के लिए आप खिताए चनाब का रुख करें। बगदाद से जब इनका सफ़र शुरू हुआ तो इनके हमरा इनकी पहली बीवी जो थी जाहिदा बीवी और कुछ हवारीन जिनमें दरवेश मोहम्मद शाह अब्दुल सैयद बहाउद्दीन और यार मोहम्मद शामिल थे। और वहाँ से वो फिर सिंध पहुँचे और फिर वहाँ से दिल्ली से होते हुए आगरा पहुँचे। उस वक़्त शाहजहाँ का जो कि मुग़ल बादशाह हैं शाहजहाँ उनका दौर था। जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो दाखिल हुए तो भीमबर रूट से दाखिल हुए थे जो कि आजकल का राजौरी है। वहाँ से फिर डैंग भट्टल नौशारा से होते हुए बुद्धल पहुँचे। बुद्धल में कुछ देर रुके और दीन इलाही लोगों तक पहुँचाया। थोड़े ही वक्त में काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे मुतासिर हो गए और उस वक्त के जो वहाँ के राजा थे उनका नाम लश्कर रॉय था, उन्होंने अपनी बेटी उनके निकाह में दे दी और वो ये चाहते थे कि वो यहीं पर रहें, लेकिन उन्हें जो ख्वाब में हुक्म मिला था तो वो वहाँ से भी चल दिए। उनकी जो दूसरी बीवी थी उसका नाम रोशन दिल रखा गया था। फिर वो वहाँ से जब किश्तवाड़ की तरफ निकले तो रामबन से होते हुए गए थे। रामबन में जहाँ पर वो थोड़ी देर बैठे थे वो जगह आज भी है और वो बैठक गाह हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से बहुत ही मशहूर है रामबन में। उसका भी कभी आपको मैं व्लॉग दिखाऊंगा। तो उसके बाद वो डोडा के इलाके से होते हुए गए थे। डोडा में जहाँ पर वो रुके थे वो जगह आज भी फरीदाबाद नाम से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। 1075 हिजरी यानी कि 1664 ईस्वी में वो किश्तवाड़ पहुँचे थे और उस वक़्त किश्तवाड़ का जो राजा था, जो रूलर था, वो राजा जय सिंह था। यहाँ पहुँच कर इन्होंने वो काम बिल्कुल शुरू कर दिया जिसका इन्हें हुक्म मिला था और ये काम वो जब सफ़र शुरू किया वहाँ से ही करते आए थे। दीन इस्लाम की रोशनी उन लोगों तक पहुँचाई जो बिल्कुल बेखबर थे इस चीज़ से और वही काम इन्होंने यहाँ पर भी शुरू किया और यहाँ पर इन्होंने अपना जो है आखिरी बसेरा यहीं पर कर लिया। यहाँ किश्तवाड़ के उस वक्त के जो राजा जय सिंह थे
वो इनके कामों से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उनका इस्लामी नाम जो है वो तेज मोहम्मद रखा गया था। हज़रत शाह फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अली के तीन बेटे थे जिनमें हज़रत शाह असरारुद्दीन रहमतुल्लाह अली, शाह खियारुद्दीन रहमतुल्लाह अली और शाह अनवारुद्दीन रहमतुल्लाह अली शामिल हैं। तो जब यहाँ पे ये आए, यहाँ यहाँ बैठे, तो यहाँ कोई मुसलमान नहीं था। उसके बाद उन्होंने हमारे एक बुजुर्ग को मुसलमान बनाया जी। तो तब से यहाँ तक हम ही यहाँ खिदमत करते हैं। बरका के यहाँ अंदर है वो इसी महीने में दिखाया जाता है। अच्छा, यानी कि 20 और 21 जून को यहाँ इनका उर्स मुबारक होता है। नीचे दरगाह पे जो 25 का तक होता है वो 9-10-11 को होता है जी। हज़रत अख़ियारुद्दीन वली रहमतुल्लाह जो हैं इनके, इनका उर्स जो होता है 3 फागुन और 7 फागुन, हज़रत अनवर साहब का होता है 7 फागुन में, वो फरवरी में आता है। तो इनकी जो अजवाज मुतहरात है वो भी यहीं अंदर, वो भी अंदर ही हैं, साथ में ही हैं। वहाँ बाहर का जो मर्द है कोई नहीं उधर जा सकता है सिवाय हमें इजाज़त है यहाँ अंदर जाने की। अच्छा, और किसी तो ये जो पीछे लॉकडाउन चल रहा था कोविड की वजह से, उसमें उर्स बड़ी रोकथाम हो गई थी। अच्छा, कोई इतने यहाँ लोग नहीं आ पाए, यहाँ बहुत लोग आते हैं। तो इस बार अलो है, लोगों को उम्मीद है इस बार आ जी, बहुत उम्मीद है क्योंकि अभी से चल रहे हैं जी जी। ये तो लॉकडाउन से पहले जब यहाँ पर उर्स होता था तो कितने लोगों की तादाद यहाँ पर होती है? बहुत होती है, कम से कम 30-40 हज़ार लोग आते हैं। अच्छा, बहुत लोग बहुत आते रश हैं, होता बिल्कुल बहुत रश। तो आज आप इसकी थोड़ा सफाई वगैरह मरम्मत में लगे जी जी, आप देख सकते। इनका जो इंतकाल है वो 1710 या 1733 ईस्वी में किश्तवाड़ में ही हुआ, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मदफून है। इनका जो कब्र मुबारक है वो यहाँ पर है, और साथ में इनके बेटे भी बिल्कुल साथ में, उनकी भी कब्र है, और बाहर की तरफ उनके दूसरे बेटे की कब्र है। इसी के दरवाज़े से हम निकलेंगे तो उनके दूसरे बेटे की कब्र आती है। तो इनका जो तीसरा बेटा है उनकी जो कब्र है वो नीचे है। अब हम वहीं की तरफ चलते हैं और बाकी का व्लॉग वहीं पे शूट होता है।